नमस्ते जी। अरे ये बहन जी, बहुत दिनों बाद पधारे हैं। मुझे लगता है कि आप 2 साल बाद आ रहे हैं हमारी दुकान पे। भैया घर का कुछ सामान लेना था और मुझे आपकी एक हेल्प भी चाहिए थी। बताओ ना बहन जी, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ और कैसे परेशान हैं आप? भैया पिछले 3 महीने से मेरे हस्बैंड की जॉब छूट गई है और उन्हें कहीं काम भी नहीं मिल रहा है। घर में पैसे की भी बहुत प्रॉब्लम चल रही है और घर का राशन का सामान भी खत्म हो गया है। मैं आपसे राशन का सामान लेने आई हूँ और मैं बड़ी उम्मीद करके आई हूँ कि आप मेरी मदद करेंगे। अरे बहन जी आप चिंता ना करें, आपको जो भी सामान चाहिए आप हमारी दुकान से ले सकते हैं और आप इतनी टेंशन ना लीजिए। रही बात पेमेंट की, जब आपके हस्बैंड की जॉब लग जाए तब आप हमारी पेमेंट कर देना। अरे आप हमारे पड़ोसी हैं, कहीं भाग के थोड़ी ना जा रहे हैं। जो भी सामान चाहिए आप आराम से ले सकते हैं। थैंक यू भैया, आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं पिछले 2 साल से ऑनलाइन शॉपिंग कर रही थी, पर आज हमारे ऊपर पैसों की थोड़ी सी मुसीबत क्या पड़ी। ऑनलाइन वालों ने हमें सामान देना बंद कर दिया। वो पहले पेमेंट करवाते हैं और फिर सामान देते हैं। पर भैया जैसे ही मेरे हस्बैंड की जॉब लगेगी मैं आपकी पूरी पेमेंट आपको दे दूंगी। बहन जी आपको एक बात बोलूं, बुरा नहीं मानना आप मेरी बात का। नहीं भैया, आपकी बात का हम कैसे बुरा मान सकते हैं? आपने तो इतनी परेशानी में हमारी मदद की है, बताओ क्या बात है? बहन जी हम आपके पड़ोसी दुकानदार हैं और आपकी वजह से ही हमारी रोजी रोटी है, हमारे बच्चों का जो पेट है वो आपकी वजह से भरता है। लेकिन आप लोग ऑनलाइन शॉपिंग कर लेते हैं और ऑनलाइन शॉपिंग करने से हमें बड़ा नुकसान होता है। अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करेंगे तो हमारी दुकानदारी का क्या होगा, हमारे बाल बच्चों का क्या होगा? तो ये बात आप विशेष ध्यान रखें कि आप ऑनलाइन शॉपिंग ना करके हम जैसे जो छोटे दुकानदार हैं उनके पास शॉपिंग करें। हमारा पेट आपकी वजह से भरता है। जी भैया आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। और बहन जी आप मेरी एक बात और याद रखना, जब भी आपके ऊपर कोई मुसीबत आएगी ऑनलाइन वाले कभी भी आपकी मदद नहीं करेंगे। मदद करेगा आपका जो छोटा दुकानदार है, आपके जो पड़ोस का दुकानदार है। तो आपको समझना चाहिए, हमेशा पड़ोस के दुकानदार से ही सामान लेना चाहिए। जी भैया आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। बहन जी मैं आपके माध्यम से एक अपील करना चाहूंगा, जितनी भी महिलाएं हैं उन सबको मैं बोलना चाहूंगा कि ऑनलाइन शॉपिंग वाले कभी आपके हो ही नहीं सकते, आपके हमेशा काम आएंगे आपके आसपास के दुकानदार। आप हमारी मदद करें। देखिए हमारे भी तो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको भी हम स्कूल में भेजते हैं और भी बहुत से खर्चे। अगर आप हमसे शॉपिंग नहीं करेंगे, सामान नहीं खरीदेंगे तो हमारा क्या होगा, हम कहां जाएंगे? तो मैं तो आपसे विनती करूंगा, आप अपनी सभी सहेलियों को जरूर बोलें कि हमसे ही सामान लें, ऑनलाइन को छोड़ दीजिए। भैया मैं आपसे वादा करती हूँ कि आज के बाद कभी भी ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करूंगी और मेरी जितनी भी सहेलियां हैं उन सबको समझाऊंगी कि हमें ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आज मेरे ऊपर पैसों की थोड़ी सी मुसीबत क्या पड़ी। ऑनलाइन वालों ने हमें सामान देना बंद कर दिया और एक आप हैं भैया कि मैं 2 साल बाद आपकी दुकान पर आई हूँ और आपने तुरंत मेरी मदद कर दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया।